हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका फिर से एक बार। थोड़ा लेट हो रहा है आज का वीडियो, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए बना रहा हूँ। दोस्तों, अदानी के स्टॉक्स पिछले 3 4 दिनों से आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। हाल ही में लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वो गिर ही रहे थे, बट उतने गिर नहीं रहे थे, हम कह सकते गिर पड़ रहे थे। बट पिछले 2 3 दिन से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट था। आप अदानी पावर की बात करो या फिर आप अदानी रिन्यूएबल्स यानी अदानी ग्रीन्स की बात करो, अदानी ग्रीन काफी लोगों का फेवरेट बन चुका है स्टॉक। और अदानी पावर जिस तरह से लास्ट में लाइक 92 के बाद उसने जो जम मारा था 130 का, वो भी एक फेवरेट लेवल पे आ चुका था। हालांकि दोनों कंपनी में काफी ज्यादा डेट है और खास करके अदानी पावर में तो डेट का भंडार लगा हुआ है, तो वो एक अलग बात हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं पूरे अदानी ग्रुप के, क्योंकि अदानी ग्रुप में से पावर, लॉजिस्टिक, पोर्ट का हुआ है, रेनेबल्स का हो गया, सारे के स्टार स्टॉक में बंदी चल रही थी, और अदानी एंटरप्राइज वाला जो स्टॉक है उसमें भी, हालांकि जो फ्लैगशिप है। अब हाल ही में 2 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद, हाल ही आज सुबह भी जो मार्केट खुला था तब दोनों भी स्टॉक में लोअर सर्किट ही लगा हुआ था, अदानी ग्रीन में और अदानी पावर में भी लोअर सर्किट लगा हुआ था। बट उसके बाद में सेकेंड हाफ में जो चेंजेस आना शुरू हुआ, दोनों स्टॉक्स को अपर सर्किट लगा कर ये निकल गया आगे। क्या हुआ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों भी स्टॉक में अगर आप रेगुलर फॉलोअर हो, क्योंकि मैं अदानी पावर के स्टॉक्स भी रखता हूँ, मैं अदानी रिन्यूएबल के स्टॉक्स भी है मेरे पास, और अदानी पोर्ट के स्टॉक भी है, तीनों कंपनी के स्टॉक्स मेरे पास है। हाल ही एंटरप्राइजेस में उतना नहीं हूँ, बस तीनों कंपनी के स्टॉक्स काफी अच्छी अमाउंट में मेरे पास है, तो रेगुलर ट्रैक करता हूँ चीजों को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, रहना है निकल जाना है क्या करना है एग्जैक्टली, लोगों में सवाल था, और काफी सारे लोग जो है वो निकल चुके हैं स्टॉक्स में, इतने बड़े बड़े लॉसेस लेकर हालांकि स्टॉक निकल रहे, क्योंकि जब नैया डूबती है ना तो भाई एक तो भागना पड़ता है या तो फिर नैया के साथ डूबना पड़ता है, डिसीजन आपको लेना होता है, और सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भाग गए हैं। और मार्केट ने अभी थोड़ा सा चेंज हुआ मूड, आज 600% प्लस में था मार्केट, होपफुली चीजें बदल रही हैं, और इन दोनों स्टॉक्स, तीनों स्टॉक्स में खास करके अदानी की पूरी अगर कंपनियों की बात करें तो सारे के सारों के पीछे फिलहाल गवर्नमेंट पड़ी हुई है, और अंबानी के बाद में अदानी सेकंड रैंक पे आते हैं, तो डेफिनेटली इतना स्टॉक्स अगर गिरेंगे तो उनके वैल्यूएशन, उनके नेटवर्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं रुके और रिकवरी शुरू हो जाए। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिख रही है, क्या बात है पूरी बताऊंगा, डेफिनेटली आर्टिकल है हमारे पास तो पूरी डिटेल बताने वाला हूँ प्रूफ के साथ में। काफी सारे लोग पूछते हैं कि बेयर भाई इतना सारा न्यूज कहाँ से लेकर के आते हो, हमें कौन से साइट पे जाना है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, हम लोग मनी कंट्रोल पे जाए या लाइव मिंट पे पढ़े, कौन सा आर्टिकल है गूगल करे, यूट्यूब देखे तो कौन सा चैनल देखे, एनएससी पे जाए, बीएससी पे जाए, कहाँ मिलेंगी खबरें, कहाँ से आएगा डेटा, कहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। तो ये पूरा समझने के बाद हमने क्या डिसाइड किया कि भाई एक वेबसाइट बना देते, एक पोर्टल बना देते हैं जहाँ पर जो खबरें हमें मिलेंगी वो हम लोग डालते जाएंगे, और लोगों को आसानी होगी हमारे फॉलोअर्स को कि भाई एक वेबसाइट पे जाओ तो रेगुलर बेसिस पे खबरें पता चलती रहेंगी, और उनके हिसाब से हम लोग हमारे डिसीजन जो है वो कर पाएंगे, रिसर्च खास करके जो है वो कर पाएंगे। तो हमने वेबसाइट बनाई bearnews.in, हाल ही में कुछ दिन बंद थी, कुछ अपग्रेड करके हमने वापस शुरू की है, और वापस से सारा ट्रैफिक जो रेगुलर रीडर से हमारे वापस आना चालू हो चुका है, तो आप भी विजिट जरूर कीजिएगा bearnews.in। लेकर के चलता हूँ वापस उसी वेबसाइट पे, बात को कंटिन्यू करते हैं, मैं bearnews.in पे हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर अडानी का फोटो, काफी स्माइल, काफी इम्प्रेसिव बंदे दिखते हैं ये। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स चारों की चारों फर्म्स अपर सर्किट हिट है, अडानी गैस 5% अपर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, पावर एंड एनर्जी 5% पे है, अडानी एंटरप्राइज हाल ही के 4% में बढ़ा है, अडानी पोर्ट्स और सेस जो है वो 3% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ, तो काफी अच्छी, डेफिनेटली इतनी अच्छी रिकवरी के बाद जिनका लॉस हो रहा था वो थोड़े से स्माइल कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है यार, 5% का ग्रोथ अगर एक स्टॉक में एक अच्छी खासी अमाउंट रिकवर कर देता है
तो होपफुली जो भागना चाहते हैं अभी भी वो एक दो रिकवरी के बाद में फटाफट निकल भी सकते हैं, और जो बिलीव करते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर रुक जाएंगे, स्टॉप लॉस जरूर वापस से लगा लेंगे अगर आपने नहीं लगाया होगा तो वो एक चीज है। हालांकि मंडे और ट्यूसडे के बाद में अगर गिरावट के बाद में आप देख रहे हो कि इसके पीछे के रीजंस पहले बता दूं, देखिए यहाँ पर सेबी ने जो है वो नॉन कंप्लायंस के लिए इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगाई हुई थी कि जो एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को हो या बड़ी कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को कंप्लायंसेस करने होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, अगर वो आप नहीं करते हो तो इसके बदले आपको ये सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी जी कुछ बात कर रहे थे। यहाँ पर दूसरे भी एक पर्सन है, टीएमसी एमपी महुआ मैत्रा, तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है कि भाई एक ने पूछा क्या बात है, दूसरे ने बताया भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, ये काम हो रहा है, बट इसके बीच में कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे सेबी भी पड़ी हुई है और डीआरआई, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी पड़ा हुआ है। ये दोनों काम क्या करती हैं, एक तो आप अगर सेबी के कंप्लायंसेस नहीं करते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो, तो ये सारी चीजें सेबी के अंडर आती है, और अगर आपका रेवेन्यू यानी आप सारी चीजों का वैल्यूएशन या आपका कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जरूरत से ज्यादा दिखाते हो जो एक्चुअली है नहीं, तो डायरेक्टरेट के अंदर आता है। अब यहां पर चीज क्या है, अडानी ग्रुप के अंडर दोनों चीजें चल रही हैं। अडानी ग्रुप के सेबी ने जो है वो भाई क्लियर कर दिया कि हम इनके दो से तीन कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी की कंपनी हमारे फिलहाल नजर में है नहीं, पर जो भी कंपनीज हैं उसमें से अडानी एनर्जी आता है, यानी अदानी पावर एंड एनर्जी आता है, और अदानी का जो ग्रीन है वो आता है। अब यहाँ पर सीन है कि भाई यहाँ पर क्लियर हो चुका है स्टेटमेंट के जरिए कि डीआरआई जो है इन्होंने 5 साल पहले अडानी को एक नोटिस भेजा था जिसका आंसर अडानी दे चुका है, और इसके लिए उनकी तरफ से अडानी को क्लीन चिट भी मिल चुका है। तो ये एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, तो डीआरआई का इशू खत्म हो गया। सेबी की बात ऐसे कि देखिए सेबी ने बोला है कि भाई हम जो है वो पूरी डिटेल में जाएंगे इसके, और अडानी ग्रुप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि आपको हमारी तरफ से जो सारे कंप्लायंसेस है वो पूरी तरीके से किए गए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ के, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग पूरी तरह कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। यानी डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं अडानी का पॉइंट जो है वो थोड़ा हैवी दिखाई देता है कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करो, हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, हम लोग पूरे क्लीन है, हमारे अंडर से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस वाला स्टेटमेंट आया सामने, और डीआरआई का सीन हो गया कि भाई इन्होंने क्लीन चिट दे दिया, तो यह भी बात खत्म हो गई। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है उनके लिए जो भरोसा रखते हैं अडानी के ऊपर या इन स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर है। अगर हम लोग कहें पावर का जो स्टॉक है वो प्राइवेट जो है वो एनर्जी में एक मार्केट लीडर का काम करता है, अडानी का पोर्ट और सीएसबी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके साथ में गैस भी है, और ये सारे एक मार्केट जायंट बन चुके हैं, कोई भी छोटे मोटे स्टॉक्स नहीं है कि आप इनको हिला सको, और अगर गिरावट आती है तो ये तो खरीदारी का मौका बन जाता है दोस्तों यहाँ पर थोड़े सोच समझदारी के साथ में खरीदारी कीजिएगा। पहला अपर सर्किट लगा है तो बावले की तरह घुस मत जाइएगा, थोड़ा रुकिएगा, स्टेप बाय स्टेप खरीदारी कीजिएगा, ताकि अगर आपको गिरावट में वापस से कुछ गलती भी हो जाती है तो आपका लॉस कम हो, आप फटाक से निकल सको। बहुत बड़ी अमाउंट लेकर बहुत बड़ा स्टॉक खरीदने की जल्दबाजी ना कीजिएगा, समझदार इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉट में खरीदता है, और दोनों लॉट के बीच का गैप काफी अच्छा रखिएगा, ताकि अगर नीचे खरीदे तो अच्छा एवरेज मिल सके, और ऊपर भी खरीदे तो भी एक अच्छा क्वांटिटी आपके पास हो सके। ठीक है दोस्तों, ये अडानी के बारे में था, मुझे और सारी बातें बतानी थी, बट यहाँ पर आप एनएससी देख रहे हो पूरा डाउन है तो डेटा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो इस वीडियो का इसीलिए यहाँ पर रोक देते हैं आज। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और bearnews.in दोस्तों विजिट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वेबसाइट, अगर कुछ चेंजेस है तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे आपके लिए अपग्रेड लाने के लिए। अब दोस्तों मिलना है अगले वीडियो में, bearnews.in को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।